पुरुष दूसरों के पत्नी की तरफ क्यों देखते हैं, इसके बारे में बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। क्या होता है कि शादी करने के पहले बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, कुतूहल रहता है पत्नी के बारे में, बहुत सारी बातें मालूम नहीं रहती है। स्पेशली अरेंज मैरिज है तो बहुत सारी बातें मालूम नहीं रहती है, थोड़ा बहुत मतलब पहचान हो जाती है और बाद में शादी होती है, एंगेजमेंट होके। शादी के बाद में फिर कुछ दिन तक एक दूसरे को पहचानना, मालूम होना, लाइकिंग देखना एक दूसरे की, और जैसे जैसे टाइम निकल जाता है वैसा वैसा जो क्यूरियसिटी जो है, क्यूरियसनेस, कुतूहल जो है वो निकल जाता है। सब कुछ एक दूसरे के बारे में मालूम होता है, और फिर कोई भी चीज़ जब रोज की हो जाती है तो उसके बारे में जो एक क्यूरियसिटी है, जो चाहत है, वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। होता क्या है फिर अपने पत्नी, होता क्या है कि जब दूसरों की किसी की पत्नी देखते, अपने दोस्त की पत्नी देखते हैं, तो फिर उसके तरफ वो देखता है इसके लिए कि भाई अपने पत्नी में क्या मिसिंग है, उसमें क्या है, मतलब वो हरदम कंपैरिजन करने के लिए देखते रहता है कि भाई मेरे पत्नी में क्या नहीं है, उसमें क्या है, और वो देखते रहता है। एक वो कारण होता है। दूसरा है कि भाई नया कुछ दिखा कि नेचुरली उसके तरफ देखने का आकर्षण ज़्यादा होता है, क्योंकि ये तो रोज देख रहे, तो नई कोई लड़की देखती है, नई स्त्री देखते हैं या दूसरी कोई स्त्री देखते हैं, तो नेचुरली उसके तरफ आकर्षण बढ़ जाता है। तो एक संभव है कि वो लोगों के तरफ मतलब पत्नी के तरफ क्यों देखता है। तीसरा, जो अपने पास में है, जो मालूम है कि अभी अपने पास में रहने वाला, वो कहीं जाने वाला है नहीं, फिर वो कोई भी चीज रहो, स्त्री रहो, पत्नी रहो, या फिर मतलब और भी कोई चीज है, देखो जो आपको मालूम है कि आप सिक्योर्ड है, अपने पास में है, वो जाने वाला है नहीं, तो फिर उसका नेचुरली अपने को कोई क्यूरियोसिटी या ऐसा कोई स्केयरसिटी नहीं लगती, क्योंकि है, मतलब पत्नी का कॉल भी आया ऑफिस में और पत्नी का कॉल भी आ गया, तो यहाँ ठीक है बाद में करता हूँ, ऐसा हो जाता है, ठीक है बाद में देखते हैं, क्योंकि भी वो है, उसका क्या करना है अभी। शादी के पहले देखो जब कोई कॉल आता है तो आप तो इंतज़ार कर रहे हैं कि अपने गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया या अभी एंगेजमेंट हुई कॉल आ गया, तो सब बाजू में रखेंगे, पहले वो कॉल लेंगे। अभी क्या है, अभी तृप्त हो गए, शांति हो गई, रोज का हो गया, अभी तो सब है, वो कहीं जाने वाली है नहीं, वो तो है ही, फिर उसका क्या क्यूरियसिटी, उसका क्या देखना है, उसके तरफ क्या करना है, अभी तो जो नहीं है उसके तरफ देखना है, एक नेचुरल टेंडेंसी है। मेरा इतने कहना है कि देखो आप जब कभी लोगों के, आपके दोस्तों के पत्नी की तरफ देखते हैं, तो वो भी तो आपके पत्नी की तरफ देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं देख रहे। उसमें होता क्या है कि लोग उसमें लोग इनसिक्योर फील करते हैं, थोड़ा सा अनइजी फील करते हैं, है ना, उनको अच्छा लगता नहीं है कि कोई अपने पत्नी की तरफ देख रहा है, उनको अच्छा लगता नहीं है, तो ये टालना चाहिए, ये आप टालेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वातावरण में फिर खराब होता है कि भाई कोई आपके पत्नी की तरफ देख रहा है और आप उसके पत्नी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जो है वो उसकी तरफ देखना नहीं है, जो नहीं उसकी तरफ देखना है, तो इसमें ये नहीं करना चाहिए, जितना टाल सकते वो टालना चाहिए। और कभी देखते ही है तो फिर एक रिस्पेक्ट, एक आदर है, रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो अपने भाई की पत्नी हो सकती है, अपने दोस्त की पत्नी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो उसको भी रिस्पेक्ट कि भाई अपनी बहन होंगी तो कैसी होंगी, फिर कैसे बात करेंगे, अपनी मदर होंगी तो कैसे बात करेंगे, वो तरह से उससे उसके साथ में बात करना चाहिए ताकि रिश्ते अच्छे रहेंगे। अदरवाइज फिर लोग टाल देते हैं। मुझे ऐसे कुछ लोग मिले हैं कि नहीं नहीं मैं ना वो दोस्त के साथ में, मेरे पत्नी जब रहती है तो उसके साथ में जाता नहीं है, क्योंकि उसके साथ में यदि गए ना तो वो मेरे पत्नी की तरफ भी देखते रहता है, तो आप दोनों दोस्तों के रिश्ते में दरार आ सकती है, तो ये डालना चाहिए, रिश्ते अच्छे होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।